हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC यानी कि इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। तीन बड़ी अपडेट जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं, बहुत ज़्यादा मेजर यहां पे अपडेट्स निकल के आ रही हैं। थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो IRFC के जो CMD थे उनकी तरफ से बोला गया था कि IRFC अब रेलवे छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ों में अपना रेवेन्यू मॉडल इंक्रीज़ करने वाली है। उससे रिलेटेड एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पे अगर हम दूसरी अपडेट के बारे में बात करें तो बुलेट ट्रेन से रिलेटेड एक अपडेट निकल के आ रही है। तीसरी अपडेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बोनस और OFS, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है IRFC के नज़रिए से। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के बारे में बात करें तो आज मार्केट में आपको ठीक ठाक सी तेजी देखने को मिली। कोई कोई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एट पार भी एक टाइप से आप यहाँ पे बोल ही सकते हो। तो तीनों इंडाइसिस में छोटे मोटे पॉइंट्स के साथ एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में आपको भयंकर गिरावट देखने को मिली, करीबन 124 पॉइंट्स के आसपास की। तो ओवरऑल सिनेरियो आज मार्केट का ये रहा है, तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं IRFC के बारे में। IRFC में जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आज यानी कि मंडे के मार्केट सिनेरियो में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा उछाल तो नहीं देखने को मिला, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो करीबन 1.69% के आसपास का एक अच्छा खासा मूवमेंट IRFC में देखने को मिल गया। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे दो क्लोजिंग जो हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुई है। इससे पहले की क्लोजिंग जो फ्राइडे की हुई थी वो भी एक अच्छे खासे उछाल के साथ हुई थी, और आज भी यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके ओपन हाई और लो के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, 23.95 रुपये पर इसका ओपन हुआ था, 24.25 रुपये का इसने हाई बनाया, 23.80 रुपये का इसने लो बनाया, और क्लोजिंग आपको 24.10 रुपये की देखने को मिली है। तो ये तो कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मार्केट का सिनेरियो। पिछले 5 दिन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे करीबन 2.5% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं पिछले 5 दिन में। तो इतने अच्छे दो मूवमेंट के बाद भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक टाइप से नेगेटिव रिटर्न्स ही हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें पिछले 1 महीने के बारे में तो यहाँ पे करीबन आपको 5.70% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे इसके रिटर्न प्रोफाइल पर नज़र डालें तो रिटर्न प्रोफाइल इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती है। इवन तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको बताते रहता हूँ कि ये जो शेयर है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस इसका एक टाइप से मोनोपोली टाइप का रहता है, ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी है, रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन रिटर्न्स फिर भी नहीं है। इसके पीछे के जो दो बड़े रीज़न हैं हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अब जो मेजर अपडेट्स हैं उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। IRFC ने अगर आप यहाँ पे देखोगे तो करीबन $500 मिलियन की फंड रेजिंग की है थ्रू दी ग्रीन नोट्स इश्यूएंस के थ्रू। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो करीबन $500 मिलियन की फंड रेजिंग ग्रीन नोट इश्यूएंस के थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे जिस अकॉर्डिंग इसके जो रेटिंग मिलती है, जो मैंने आपको बताया था कि क्रिजल ने भी इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया था, उससे इनको फाइनेंसिंग करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो हेल्प होती है वो इसी रेटिंग से होती है, तो उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। बाकी जो ग्रीन नोट्स क्या होते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उसका जो टेन्योर होता है वो 10 ईयर्स का होता है। इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, और किस स्टॉक एक्सचेंज या फिर किस एक्सचेंज पर ये लिस्ट होते हैं वो भी आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। अब मेन चीज़ निकल के आती है कि ये जो फंड रेजिंग हुई है वो क्यों हुई है और किस पर्पज़ से हुई है। डेफिनेटली आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था 14th of January के आसपास भी एक बड़ी अपडेट थी, जिसमें बताया गया था कि जो CMD थे उन्होंने बोला गया था कि जो IRFC है वो अब केवल रेलवे फाइनेंसिंग के काम में नहीं रहेगी, वो अपने बिजनेस रेवेन्यू मॉडल को चेंज करके दूसरे फंक्शनैलिटी में भी जाएगी। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे उसके लिए पहला कदम उठा लिया गया है। इस पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो रेलवे जो है उसमें अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज का पूरी
तरीके से यूज किया जाने वाला है। और उसमें अगर आप देखोगे चार में से हर एक ट्रेन आपको सोलर पावर पर चलते हुए नज़र आने वाली है आने वाले टाइम के अंदर अंदर। तो डेफिनेटली जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बताते हुए आया हूँ कि IRFC का जो बिज़नेस फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है, और चीज़ें आपके सामने मैं हमेशा रखते रहता हूँ कि आखिर मैं उसको किस बेसिस पे बोलता हूँ। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये भी पता चल गया है कि ये जो फंड रेजिंग हुई है इसको कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। सोलर पावर में बनाने के लिए अगर आप देखोगे तो रेलवे को इसमें पूरी तरीके से यूज़ होने वाला है। बाकी दूसरी अपडेट पर अगर हम यहाँ पर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि IRFC ने $500 मिलियन के आपको यहाँ पर बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे जो 7 मिलियन GTMN है उसके अंडर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कदम के थ्रू अगर आप देखोगे तो IRFC जो है वो नंबर 1 CPSE बन गया है टू लिस्ट ग्रीन ऑफशोर बॉन्ड एट इंटरनेशनल एक्सचेंज। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये भी बहुत बड़ी इसके लिए अचीवमेंट नज़र आती है। तो ये कुछ सारे सिनेरियोज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रहे हैं आने वाले इस पर्टिकुलर डेज में, यानी कि इस वीक में अगर आप देखोगे तो एक उछाल की संभावना पूरी तरीके से बनते हुए नज़र आ रही है। और गलती से अगर इसमें Q3 की अगर आपको कोई अपडेट आ जाती है तो उसमें आप देखोगे तो IRFC में एक अच्छा खासा उछाल बन सकता है। अब यहाँ पर हम आगे अगर बात करें OFS और बोनस से रिलेटेड, तो यहाँ से जो OFS के चांसेस हैं वो तो पूरी तरीके से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको भी पता है, इसमें कुछ भी छुपाने जैसा नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 86% के आसपास प्रमोटर्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो कि हर हालत में उनको कम करना ही पड़ेगा अगर वो कंपनी को ग्रो करवाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आने वाले 3 से 6 महीने के बीच में आपको OFS आते हुए नज़र आ सकता है। आने वाले 1-2 महीने के अंदर कोई भी चांसेस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जब OFS आएगा उस पर अगर हम यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट लेके भी चल लें 25 से यहाँ पे 26 के आसपास की शेयर वैल्यू ले लेते हैं, तो अगर आप देखो वहाँ से आपको 1-2 रुपये का जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि इसी पर्टिकुलर लेवल पे आपको वापस आते हुए नज़र आ सकता है 23 रुपये के आसपास। लेकिन उसके बाद जो इसमें उछाल आएगा वो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज हो सकता है जिस अकॉर्डिंग इसमें सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ से 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं कम से कम 25 से 30 गुना आपको ये शेयर उछाल दिखाते हुए नज़र आ सकता है। इसलिए मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि आप इसको होल्ड करके बैठे रहो, क्योंकि अगर आपको रिटर्न्स पॉजिटिव नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट आपकी वैल्यू को कम भी नहीं कर रहा, वहीं के भी आपको एट पार ही देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपने अगर एलोकेशन किया तो आप इसको ईजिली होल्ड करो, एग्जिट जब हमें करना होगा हम ईजिली इसमें से प्रॉफिट में ही करेंगे। तो ये कुछ स्ट्रेटजी आप बना के चल सकते हो। ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें ईजिली बने रह सकते हो मेरे अकॉर्डिंगली, लेकिन अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, उसके बाद ही शेयर मार्केट में निवेश करें। वीडियो को केवल नॉलेज के पर्पज से ही देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।